पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों यू पी टेड दो हज़ार तेईस के लिए हिंदी की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और लगभग दस से पंद्रह दिन में कंप्लीट हिंदी का सिलेबस आपको करा दिया जाएगा और इसकी बेहतरीन तरीके से प्ले लिस्ट बना दी जाएगी जब भी आपका यू पी टेट का एग्ज़ाम होगा आप कंप्लीट हिंदी देख सकते हैं तो आपको दिन में कई सारे वीडियोज़ मिलेंगे टॉपिक वाइज तो उनको देखते रहिएगा रहती है बात प्रैक्टिस की तो अभी हम लोग जो है दोपहर बारह बजे मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जैसे ही आपका हिंदी का सिलेबस मैं कवर करा देता हूँ दस से पंद्रह दिन में उसके बाद हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो में हम संज्ञा टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं छोटा सा टॉपिक है एक दो क्वेश्चन आपके यू पी के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं तो कंप्लीट इसमें हम देखेंगे और बहुत बेहतरीन बुक से मैंने आपके लिए ये सारे टॉपिक उठाए हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से इनको करेंगे देखिए संज्ञा क्या होता है संज्ञा का अर्थ होता है नाम विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है जिसे हम क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं जैसे आप मुझे जिस नाम से जानते हो तो वो मेरा नाम है तो वो भी संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है मैं आपको जिस नाम से जानता हूँ सब कुछ आपके आस जितनी भी चीज़ें हैं कोई ना कोई नाम से वो क्या की जाती हैं जानी जाती हैं तो वो सब संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं जैसे यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं कि जयबुलिसा पुस्तक पढ़ती है प्रीति गणित पढ़ेगी विलियम शहर गया अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि उपयुक्त तो तीनों वाक्य में तीन व्यक्तियों के बारे में कुछ बातें कही गई हैं जब किसी के विषय में कुछ कहा जाएगा तब उसका नाम लेना पड़ेगा नाम ना होगा तो नाम रखना पड़ेगा वस्तुओं अथवा दशाओं का ज्ञान ना होगा तो उनका नाम लेकर बताना होगा नाम का दूसरा नाम व्याकरण में क्या है संज्ञा है अब हम इसकी परिभाषा की अगर बात करते हैं तो इसकी परिभाषा ये है कि वह शब्द जिससे किसी प्राणी वस्तु अथवा भाव का नाम ज्ञात हो संज्ञा कहलाता है जैसे ऊषा गुलाब पाटलपुत्र बचपन आदि तो यहाँ से आपको संज्ञा की परिभाषा पता चल गई होगी क्या होता है संज्ञा ये पता चला होगा बाकी इससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते नहीं हैं आप देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं कहता है हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं तो देखिए वैसे नॉर्मली हिंदी में संज्ञा के तीन भेद माने जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा लेकिन अधिकांश जो व्याकरण संज्ञा के पांच भेद मानते हैं और वो भेद कौन कौन से हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा अब जो तीन मानते हैं उनके बारे में लिखा है कि जो लोग संज्ञा के तीन भेद मानते हैं वे समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो संज्ञा है उसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं अब एक एक करके हम इन सारे भेदों को पढ़ेंगे सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे प्रयाग संध्या अंगित काशी द्वारका हिमालय गंगा आदि तो जैसे हिमालय है तो हिमालय एक सिंगल हिमालय के बारे में जानते हो आप तो उसका एक पर्टिकुलर नेम है तो ये हिमालयों को जैसे नदी तो बहुत सारी हैं गंगा की बात करी जाए तो वो एक अलग नदी के बारे में बात करी जा रही है तो किसी जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे आप जिस शहर में रहते हो तो उस शहर का एक अलग नाम है ठीक है तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा अगला है जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है किसका समस्त जाति का बोध होता है अभी एक ही के बारे में बताया जा रहा था अब समस्त जाति का बोध होगा उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे मनुष्य अब मनुष्य में बहुत सारे मनुष्य हो जाएंगे जैसे पर्वत पर्वत में बहुत सारे पर्वत हो जाएंगे जैसे नदी नदी में बहुत सारी नदियाँ हो जाएंगी तो इस तरीके से उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में प्रधान अंतर यह है कि व्यक्तिवाचक में किसी वर्ग के एक ही का बोध होता है जबकि जातिवाचक में समस्त का बोध होता है ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा की देखिए जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं समूह वाचक संज्ञा कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सभा अब सभा में जो होता है सभा आपका समूहवाचक संज्ञा होता है कई लोगों की सभा होती है भीड़ कुंज गुच्छा कच्छा तो ये सब आपका क्या हो जाता है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है अगला जो आपका भेद है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जिस शब्द से माप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे बात करते हैं कोयला दूध आदि तो याद रखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिस शब्द से माप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं जैसे कोयला दूध आदि अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़नी है क्योंकि इस पर खूब क्वेश्चन बनते हैं भाववाचक संज्ञा देखिए जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण दशा भाव व्यापार धर्म अवस्था स्वभाव का बोध होता है जैसे गुण है अब किसी व्यक्ति के गुण का बोध होता है अच्छाई जैसे उसकी दशा का बोध होता है बुढ़ापा हो गया ये हो है ना तो उसकी दशा का भाव उसके जितने होते हैं जो व्यापार है धर्म अवस्था स्वभाव इनका सबका बोध होता है तब वहाँ पे भाव अचक संज्ञा बन जाती है उसे भाव अचक संज्ञा कहते हैं जैसे कि दया हो गई सच्चाई हो गया क्रोध हो गया दरिद्रता हो गई चढ़ाई हो गई तो ये सारी सारी चीजें फीलिंग करने फील करने वाली हैं तो इनको हम लोग क्या कहते हैं भाव अचक संज्ञा कहते हैं सिंपल सा आप सभी को पता होगा अगर बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कि जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं इसके अलावा सर्वनाम और क्रिया और विशेषण क्रिया विशेषण तथा अव्यों में कुछ प्रत्यय लगा करके बना दी जाती हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं वो प्रत्यय कौन कौन से हो सकते हैं वो आपका ई प्रत्यय हो सकता है त्वा प्रत्यय हो सकता है ता प्रत्यय हो सकता है पन प्रत्यय हो सकता है हट वट पा का व सा अंत ये सारे प्रत्यय आपके हो सकते हैं जैसे कि ई प्रत्यय से ये देखो लड़ाई लड़ाई एक आपकी भाववाचक संज्ञा बन गई जैसे लड़ना क्रिया है उससे लड़ाई बन गई जैसे मम मम आपका क्या हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा उसके ममत्व बन गया है ना तो यहाँ पे जैसे मनुष्यता हो गया लड़कपन हो गया घबराहट सजावट बुढ़ापा ठंडक बहाव मिठास गढ़ंत तो ये सब प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं अब यहाँ पे देखो कैसे कौन से प्रत्यय लगा करके किस संज्ञा में कैसे लगा करके बनते हैं जैसे लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे शिव है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें त्वा प्रत्यय लगा दिया तो ये बन गया शिवत्व तो शिवत्व आपका भाववाचक संज्ञा हो गया जैसे गांधी से गांधीवाद भाववाचक संज्ञा बनती है हिटलर से हिटलर शाही बन जाता है जातिवाचक संज्ञा से जैसे लड़का है तो लड़का से लड़कपन बन जाता है मित्र से जैसे कि मित्रता बन जाता है मानव से मानवता बन जाता है अगर हम सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनाम में जैसे अपना अपना से भाव संज्ञा बनती है अपनापन मम से बनती है ममता अहम से बनता है अहंकार क्रिया की अगर बात करें सजाना से देखिए सजावट बन जाता है बहाव बहना से बहाव बन जाता है लिखना से लिखावट चढ़ना से चढ़ाई दौड़ना से दौड़ लड़ना से लड़ाई पढ़ना से पढ़ाई यहाँ पे क्रिया से भी बहुत सारी भाव अचक संज्ञा आपकी बन जाती हैं। विशेषण से बात करते हैं जैसे भोला विशेषण से भोलापन भाव संज्ञा बन गई सरल से सरलता बन गई नम्र से नम्रता बन गई विनम्र से विनम्रता बन गया भला से भलाई ठंडा से ठंडक चतुर से चतुराई, दुर्बल से दुर्बलता मीठा से मिठास अब बहुत सारे अवयव भी होते हैं अवयव में भी प्रत्यय लगा करके आपकी भाववाचक संज्ञा बनती है जैसे सम से समता बन गया मिथ्या से जैसे मिथ्यायत्व बन गया दूर से जैसे दूरी बन गया समीप से सामीप्य बन गया अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि भाव वचक संज्ञा प्राय बहुवचन भाव वचक संज्ञा जो होती हैं उनका बहुवचन नहीं होता है लेकिन जब भाववाचक संज्ञाओं का हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा के समान हो जाती हैं जैसे विशेषता आपकी भाववाचक संज्ञा है अब इसका जब बहुवचन आप विशेषताएं बनाते हो तो फिर वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाता है इसी तरीके से कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है जैसे देवी देवी शब्द कहने पर सबसे पहले दिमाग में आता है कि दुर्गा जी तो यहाँ पे फिर देवी देवी में तो बहुत सारी देवियाँ होती हैं तो वो तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है लेकिन जब दुर्गा इस शब्द का बोध होने लगता है तब वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाती है जैसे बापू बापू अब बापू कहने से ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है लेकिन बापू कहने से महात्मा गांधी हमारे माइंड में आता है तो वो फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हो जाता है इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है जैसे आपने बोला जयचंद तो जयचंद किसी व्यक्ति का नाम है लेकिन जयचंद के जो काम है वो एक विशेष तरीके के काम के लिए देशद्रोह के लिए जाने जाते हैं तो फिर वो पूरी जैसे पूरी जाति के लिए बोध होने लगता है तो कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग हम लोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी करते हैं जैसे कि भीष्म पितामा भीष्म पितामा जैसे ही आप नाम लेते हो तो वहाँ पर भीष्म पितामा के लिए एक चीज़ आती है मन में कि दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति के लिए ये शब्द यूज किया जा सकता है तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में बिल्कुल ऐसे यूज कर लेते हैं तो ये कुछ चीज़ें आपको संज्ञा के बारे में पता होनी चाहिए इतना ही बस संज्ञा से रिलेटेड है और यूपी डेट में आपके एक दो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एक क्वेश्चन तो हंड्रेड परसेंट पूछा ही जाएगा संज्ञा से रिलेटेड तो बस इतनी ही चीज़ें आपको संज्ञा के बारे में पता होनी चाहिए तो हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी का दस से पंद्रह दिन में कम्प्लीट हिंदी का सिलेबस जो है आपको चैनल पर मिल जाएगा हर सब्जेक्ट को हम अच्छे से क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी हम बारह बजे केवल मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले हम लोग अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेते हैं जब तक तो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो हिंदी को जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे दिन में कम से कम दो से तीन आपको टॉपिक के वीडियो जल्द मिलते रहेंगे तो उनको आप देखते रहिए और अपने नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लीजिए या फिर इसी के स्क्रीन ले लीजिए या इसकी पी मैं आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा तो उससे पढ़ते रहिएगा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करिएगा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद